खानका डोगरा में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए छोटे बड़े जानवरों की खरीदारी जारी है, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी अवाम महंगाई के बायस परेशान दिखाई देते हैं। अवाम उनास का ये कहना है कि कुर्बानी के जानवरों की कीमतें सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। जू जू बकरीद करीब आ रही है, कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी अरूज पर पहुंच गया है। मंडियों में हर नस्ल के खूबसूरत जानवर नजर आ रहे हैं जिनको देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। अगर एक तरफ ग्राहक महंगाई से परेशान है तो दूसरी तरफ व्यापारी महंगे चारे का रोना रोते हुए नजर आते हैं। दाना पाई है ठीक है, चोकर भी महंगा है, दाना भी महंगा है, ग्राहक जेड़ा है वो पैसे नहीं पूरे भर रहा, मजदूर आदमी है मंडी दे खड़े हैं। जानवर को देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है, जब इसकी कीमत सुनते हैं तो दिल परेशान हो जाते हैं कि ये देखें ये कुर्बानी का एक जानवर है, ये इनका 60,000 रुपया मांग रहे हैं, लेकिन ये पिछली जब बाहर खरीदने आए तो ये 40,000 का मिला। इसके बावजूद शहरी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए पुरअज़्म नजर आते हैं। महंगाई जितनी भी हो हम बकरा लेने आए हैं, बकरा लेके जाएंगे, सुन्नत इब्राहिमी हम अदा करेंगे। महंगाई की वजह से आम बंदे की पहुंच में नहीं है, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी भी अदा करनी है क्योंकि हम मुसलमान हैं। कांगो वायरस से बचाव के लिए लाइफ स्टाइल की टीमें भी 24 घंटे काम कर रही है। हमारे पास ये मेडिसिन होती है, उसका हम सैगावान का सोल्यूशन बना के एक आदमी होता है जो अपने तरह का सारी हिफाजती इकदाम करके उन सब जानवरों को स्प्रे की जाती है। लोगों का कहना है कि महंगाई के बावजूद सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का जज्बा किसी सूरत कम नहीं होगा। मज़हर इकबाल शिराज़ी, वक्त न्यूज़, खानका डोगरा।